हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा बिल्डिंग मटेरियल के, कि मैंने आपको ब्रिक्स के बारे में बताया, ब्रिक्स की कंप्लीट डिटेल्स दी और फाइनली हमारा ब्रिक्स का चैप्टर वहां पे कंक्लूड हुआ। अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो हम इस लेक्चर में देखने जा रहे हैं इस वीडियो में, वो है मोर्टार। जो आपके सिलेबस का नेक्स्ट चैप्टर है ब्रिक के बाद, वो है मोर्टार। तो मोर्टार बेसिकली होता क्या है, ये मोर्टार क्या है? मोर्टार मैंने आपको जैसा कि सिलेबस के टाइम पे ही बताया था, मोर्टार एक मिक्सचर है, एक फाइनल प्रोडक्ट है मिक्सचर का। जब हम एक बाइंडिंग मटेरियल जैसे कि सीमेंट हो गया या लाइम हो गया, ये बाइंडिंग मटेरियल है। बाइंडिंग मटेरियल कहने का मतलब जो मटेरियल की प्रॉपर्टी है दूसरों में बाइंड करने की, वो दूसरे से बाइंड कर सकते हैं, दूसरे में कंबाइन हो सकते हैं, स्टिक हो सकते हैं। तो वो बाइंडिंग मटेरियल जैसे कि सीमेंट हो गया, लाइम हो गया, इसको और जब इन्हें फाइन एग्रीगेट मतलब वो एग्रीगेट जैसे सैंड हो गया, सैंड आपका एक फाइन एग्रीगेट है। तो बाइंडिंग मटेरियल लाइक सीमेंट एंड लाइम व्हेन मिक्स्ड विद सैंड लाइक फाइन एग्रीगेट, मेनली हम यहाँ पे सैंड यूज़ करते हैं इसलिए मैं बार बार सैंड बोल रहा हूँ, ऐसे आप कोई भी फाइन एग्रीगेट यूज़ कर सकते हो, लेकिन मोस्टली यूज फाइन एग्रीगेट इज सैंड फॉर प्रिपरेशन ऑफ मोर्टार। तो व्हेन सैंड और मिक्स विथ स्लाइम एंड सीमेंट इन प्रॉपर प्रोपोर्शन ऑफ वाटर, जब आप पानी में मिक्स करते हो सैंड को और सीमेंट या लाइम को, तो जो फाइनल प्रोडक्ट तैयार होता है उसे हम बोलते हैं मोर्टार। तो पहले सबसे पहले मैं यहाँ बताऊँगा मोर्टार क्या है। तो मोर्टार क्या है, यहाँ पे मैं डेफिनेशन मेंशन करूँगा पहले मोर्टार के बारे में। सबसे पहले मोर्टार, सो मोर्टार क्या है, मिक्सचर ऑफ बाइंडिंग मटेरियल लाइक सीमेंट और लाइम जो मेनली हम यूज़ करते हैं। मैं उन बाइंडिंग मटेरियल के बारे में आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे बाइंडिंग मटेरियल होते हैं, बहुत सारे मटेरियल हैं जिनके बाइंडिंग प्रॉपर्टीज़ हैं, पर हमारा यहाँ कंसर्न क्या है, बाइंडिंग मटेरियल लाइक सीमेंट और लाइम, क्योंकि हम मेनली जो यूज़ करते हैं मोर्टार फॉर्मेशन के लिए वो हमारा सीमेंट या लाइम होता है। तो मिक्सचर ऑफ बाइंडिंग मटेरियल लाइक सीमेंट और लाइम, फाइन एग्रीगेट लाइक सैंड एंड वाटर इज कॉल्ड मोर्टार। तो मोर्टार किसे कहते हैं, मोर्टार कहते हैं एक मिक्सचर है, ये एक फाइनल मिक्सचर है, एक फाइनल प्रोडक्ट है, किस किस का, बाइंडिंग मटेरियल, कौन से बाइंडिंग मटेरियल लाइक सीमेंट और लाइम, फाइन एग्रीगेट, कौन से, सैंड एंड वाटर इज कॉल्ड मोर्टार। तो ये आपका मोर्टार हुआ, फाइनली मोर्टार एक फाइनल प्रोडक्ट है जो कि इन चीज़ों के मिक्सचर से बना है। तो मैंने यहाँ पर देखा मोर्टार में जो इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हमारे वो क्या हैं, बाइंडिंग मटेरियल हमारे सीमेंट हुए, लाइम हुए, फाइन एग्रीगेट हमारे हुए जो कि सैंड है और वाटर है। तो सीमेंट के बारे में आप डिटेल में पढ़ेंगे, आपका एक अलग सब्जेक्ट है RRB JEE के कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी, वहाँ पे जब पढ़ेंगे हम कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी तब मैं डिस्कस करूँगा सीमेंट के बारे में इन डिटेल एंड ए ग्रेटर डेप्थ। लेकिन यहाँ पे मैं सैंड के बारे में आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि मोर्टार का मोस्ट ऑफ द एरिया जो होता है वो सैंड लेता है, तो सैंड उसका सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है, इम्पॉर्टेंट इन्ग्रीडियंट है। तो इसलिए हमें सैंड के बारे में डिटेल में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप सैंड को नहीं जान पाओगे तो आपने मोटर के बारे में, मोटर की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ आप डिटरमाइन नहीं कर पाओगे, उसे आप समझ नहीं पाओगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, सैंड के बारे में। तो बेसिकली सैंड क्या है, सैंड हम लोग सैंडस्टोन से ऑब्टेन करते हैं। सैंडस्टोन मैंने आपको बोला था, सैंडस्टोन एक सेडिमेंट्री रॉक है, मैंने स्टोन के चैप्टर में आपको पढ़ाया था सैंडस्टोन एक सेडिमेंट्री रॉक है। तो सैंड से हम फॉर्म करते हैं, फाइंड करते हैं सैंडस्टोन जो आपका रॉक है उससे हम फाइंड करते हैं सैंड को। तो सैंड हमने फाइंड कहाँ से किया, सैंड हमने ऑब्टेन किया सैंडस्टोन से। बेसिकली सैंड होता क्या है, ये सिलिका डाइऑक्साइड होता है, SiO2। सिलिका डाइऑक्साइड जो होता है वो सैंड है। सैंड का आप केमिकल फॉर्मूला अगर केमिकल कंपोजिशन बोलना चाहो तो वो एक सिलिका डाइऑक्साइड है, और वो फॉर्म कहाँ से हुआ, सैंडस्टोन से।
तो देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ सैंड, सैंड से कुछ टाइप्स होते हैं, तो वो क्या क्या होते हैं वो हम देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं आपको बोलूंगा क्या सैंड, सैंड क्या है, सैंड ऑब्टेन्ड फ्रॉम सैंडस्टोन्स, ऑब्टेन्ड फ्रॉम सैंडस्टोन्स, ये सैंडस्टोन्स हम ऑब्टेन करते हैं केमिकली। सैंड क्या है केमिकली, सैंड क्या, मैंने अभी आपको बोला केमिकली इट इज सिलिका डाइऑक्साइड SiO2, सिलिका डाइऑक्साइड। तो ये एक सिलिका का ऑक्साइड है, ये एक सिलिका का ऑक्साइड है सैंड, और ये ऑब्टेन कहाँ से हो रहा है सैंडस्टोन से। अभी मैंने आपको क्या बोला इसके डिफरेंट टाइप्स है, तो मैं क्या बोल रहा है टाइप्स ऑफ सैंड जो हमने जानना है, टाइप्स ऑफ सैंड। तो बेसिकली इसके थ्री टाइप्स हैं, वो थ्री टाइप्स के पहले मैं आपको नेम मेंशन कर रहा हूँ। पहला टाइप जो है आपका वो है पिट सैंड। जो सेकंड टाइप ऑफ सैंड है वो है रिवर सैंड, और जो थर्ड टाइप ऑफ सैंड है वो है आपका सी सैंड। तो जिस जिस जगह से सैंड हम ऑब्टेन करते हैं उसके अकॉर्डिंग ही हमने उसका टाइप कर रखा है, टाइप बना रखा है, वो टाइप है पिट सैंड, रिवर सैंड एंड सी सैंड। तो इन तीनों पार्ट्स के बारे में हम दो दो पॉइंट्स हम जानेंगे, क्योंकि ये आप ताकि क्लासिफाई कर सको, डिफ्रेंशिएट कर सको कि कौन से सैंड का क्या प्रॉपर्टी है और वो किस तरह से हमारे मोर्टर में इफेक्ट डालेगा। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला पिट सैंड, रिवर सैंड और सी सैंड। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले आपको देखूंगा क्या पिट सैंड के बारे में। तो यहाँ मैं आप मेंशन कर रहा हूँ आपको, सबसे पहला पार्ट जो हमने बोला सैंड में वो क्या था पिट सैंड। तो ये पिट सैंड क्या होता है, ये सैंड है, टाइप ऑफ सैंड है, जैसे हमने बोला रिवर सैंड है आप रिवर से फाइंड करते हो, सी सैंड आप सी से फाइंड करते हो, पिट से ये स्मॉल एरिया से आप जो सैंड फाइंड करते हो, ये सैंडस्टोन जब आपका केमिकली डिकम्पोज होता है, केमिकली डिटोरिएट होता है, केमिकली उसके फर्दर इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन होते हैं, आप वो अलग अलग छोटे छोटे पार्ट्स में जब वो टूटता जाता है वेदरिंग एजेंट्स की वजह से, तो वो आपका जो सैंड फॉर्म हुआ वो पिट सैंड हुआ या स्मॉलर एरियाज में फाउंड होते हैं। और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है वो आप जानो क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, एंगुलर ग्रेन्स होते हैं, इसके जो ग्रेन्स होते हैं वो एंगुलर ग्रेन्स, स्मॉल पार्ट्स ऑफ सैंड, वेरी स्मॉल पार्ट्स, स्मॉल साइज, जो छोटे छोटे टिनी माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो उन्हें ग्रेन्स हम कहते हैं। तो इनके ग्रेन्स किस तरह के होते हैं, एंगुलर ग्रेन्स होते हैं, एंगुलर ग्रेन्स होते हैं। तो इनका स्ट्रेंथ एंड क्वालिटी इज हाई, इनका जो बेसिकली स्ट्रेंथ, इनकी जो क्वालिटी होती है वो बहुत हाई क्वालिटी की होती है, ये एंगुलर ग्रेन्स होते हैं, और ये आपके मेनली यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन, यहाँ पे हमारा मोर्टार हम पढ़ रहे हैं, मेनली यूज्ड इन मोर्टार प्रिपरेशन, मेनली यूज्ड इन मोर्टार प्रिपरेशन। तो मैंने क्या बोला ये एंगुलर ग्रेन्स होते हैं, इनकी क्वालिटी बहुत सुपीरियर क्वालिटी की होती है, और जो मेनली हम लोग यूज़ करते हैं एट लार्ज स्केल मोर्टार को बनाने के लिए, उसमें हम जो सैंड यूज़ करते हैं वो हमारा कौन सा सैंड है, वो हमारा पिट सैंड है। तो इसका पार्ट क्या हो गया, एंगुलर ग्रेन्स हो गया, क्वालिटी इज हाई हो गई, और मेनली यूज। आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं विच इज़ द मेन टाइप ऑफ सैंड विच इज़ यूज्ड इन मोर्टार प्रिपरेशन, तो वो मेन टाइप ऑफ सैंड जो आपका है वो है पिट सैंड। नेक्स्ट टाइप ऑफ सैंड जो आपका है यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है वो है आपका रिवर सैंड। नेक्स्ट टाइप ऑफ सैंड कौन सा है, रिवर सैंड। तो ये रिवर सैंड कैसे फॉर्म होते हैं, ये रिवर में से ऑब्वियस सी बात है ये रिवर से बिल्कुल फाउंड होंगे क्योंकि इनके नाम में लिखा है रिवर सैंड। तो ये हम रिवर से जो रिवर बेड से जो आप नीचे से निकालते हो, आप रिवर के आसपास के एरियाज देखोगे जहाँ पे पानी फ्लो नहीं हो रहा है, वो फ्लो एरिया के बगल में जो एरियाज होते हैं वहाँ पे आप बालू देखोगे, वहाँ पे आप सैंड देखोगे वाइट कलर्स के होते हैं, तो उन सैंड को हम रिवर सैंड बोलते हैं। और वो फॉर्म कैसे होते हैं, जो रिवर बेड के नीचे बहुत सारे सेडिमेंट्स लेकर रिवर अपने साथ कैरी कर रहा है, फ्लो कर रहा है, तो वो सेडिमेंट आपस में एक दूसरे से जब टकराते हैं
एट्रिशन प्रोसेस होता है, रबिंग प्रोसेस होता है, उससे ये फॉर्म होते हैं. तो एट्रिशन ऑफ पार्टिकल्स, तो ये रिवर्स एंड क्या है इसका, मैं इसके बारे में क्या लिखूंगा यहाँ पे, फॉर्म्ड ड्यू टू एट्रिशन. एट्रिशन मैंने आपको बताया है पीछे लेक्चर में, एट्रिशन क्या बोलते हैं, रबिंग बोलते हैं, एट्रिशन टेस्ट भी आपने देखा है, एट्रिशन आपने फिजिकल केमिकल मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में भी देखा है, तो आपको पता होगा एट्रिशन क्या है. फॉर्म ड्यू टू एट्रिशन दैट इज रबिंग. ये क्या होता है, परफेक्टली वाइट इन कलर. इसका जो कलर होता है वो परफेक्टली वाइट होता है. जैसा कि मैंने आपको बोला, रिवर के आसपास के एरियाज में देखोगे वहाँ जो सैंड मिलते हैं वो बिल्कुल भी वाइट होते हैं. तीसरा पॉइंट इसके बारे में क्या लिखूंगा यहाँ, जैसे एंगुलर ग्रेन है तो इसके ग्रेन कैसे होंगे, राउंडेड ग्रेन्स. तो यहाँ पर मैंने क्या बोला, फॉर्म ड्यू टू एट्रिशन व्हाइट इन कलर एंड राउंडेड ग्रेन्स. ये इसकी प्रॉपर्टीज होगी, राउंडेड ग्रेन्स होते हैं इसके, जबकि पिट सैंड में एंगुलर ग्रेन्स होते हैं. थर्ड टाइप ऑफ सैंड हमारा क्या है, वो है सी सैंड. तो यहाँ पे क्या होता है, ये सी सैंड क्या है, तो वो सैंड जो हम सी से ऑब्टेन करते हैं, सी बेड से ऑब्टेन करते हैं, सी के डाउन से, सी के आसपास के एरिया से ऑब्टेन करते हैं, वो हमारा सी सैंड हुआ. ये सी सैंड बेसिकली हम लोग यूज़ नहीं करते हैं कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में, मतलब मोर्टार फॉर्मेशन में हम सी सैंड यूज़ नहीं करते हैं. उसका रीज़न क्या है, जैसा आप लोग जानते हो सी में सॉल्ट कंटेंट होता है, सी वाटर में सॉल्ट कंटेंट होता है, सी वाटर में नमक की मात्रा होती है, नमक की कंटेंट होती है. और ये जैसे आपने पीछे ब्रिक्स में पढ़ा, आपने स्टोन्स में भी पढ़ा कि जब आपका सॉल्ट प्रेजेंट अगर होगा किसी मटेरियल में तो वहाँ पे क्या होगा, इफ्लोरेसेंस होगा. इफ्लोरेसेंस मतलब वो वाइट मार्क्स हो जाते हैं मटेरियल के सरफेस पे, ब्रिक्स में भी मैंने आपको बताया था. तो अगर हम सी सैंड यूज़ करेंगे तो सी सैंड में तो ऑलरेडी सॉल्ट प्रेजेंट है, अगर उसे हम मोर्टार में यूज़ करेंगे तो हमारा फाइनली जो बन के मोर्टार रेडी होगा उस मोर्टार के सरफेस पे आपको क्या दिखेंगे, वाइट पैचेस दिखेंगे, जो कि एक तरह से डिफेक्ट है, वो डिफेक्ट है, इसलिए हम इसे यूज़ नहीं करते हैं. ये भी आपके इसके ग्रेन राउंडेड ग्रेन्स ही होते हैं, इसके भी राउंडेड ग्रेन्स. कंटेंट साल्ट, मैंने बोला ये कंटेंट साल्ट, ये सॉल्ट कंटेंट रहते हैं इसके अंदर, क्योंकि सी वाटर में ही सॉल्ट होता है तो उसमें जो सैंड फॉर्म हो रहा है वहाँ पे भी सॉल्ट कंटेंट होंगे. कंटेंट साल्ट नॉट यूज्ड इन मोर्टार प्रिपरेशन. ये क्यों नहीं होता वो मैंने आपको बताया, ये इसलिए नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे हम सॉल्ट, ये सॉल्ट कंटेंट है यहाँ पे प्रेजेंट, तो अगर सॉल्ट कंटेंट रहेगा तो उससे क्या होगा, इफ्लोरेसेंस प्रोसेस होगा जो प्रोडक्ट हम तैयार करेंगे, यानी जो मोर्टर तैयार होगा वहाँ पे इफ्लोरेसेंस होगा, उसके ऊपर वाइट पैचेस दिखेंगे, इसलिए हम सी सैंड को यूज़ नहीं करते. तो ये मैंने आपको टाइप्स ऑफ सैंड बताए. अब मैं आपको बोल रहा हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ सैंड. दो बातों को आप समझने की कोशिश कीजिए, ये टाइप्स ऑफ सैंड है, सैंड जहाँ से ऑब्टेन कर रहे हैं जिन जगहों से उसके बेसिस पे ये उनके डिफरेंट टाइप्स हैं, आपके पिट सैंड हो गए, रिवर सैंड हो गए, सी सैंड हो गए. अब मैं आपको क्लासिफिकेशन ऑफ सैंड के बारे में बोल रहा हूँ. ये जो क्लासिफिकेशन है ये साइज के बेसिस पे है, फाइन सैंड, कोर सैंड, ग्रेवली सैंड. तो ये क्या है वो मैं बता रहा हूँ आपको, क्लासिफिकेशन ऑफ सैंड. यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ सैंड मैं बता रहा हूँ. तो मेनली थ्री टाइप्स ऑफ सैंड ऑन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑन बेसिस ऑफ साइज. तो वो तीन टाइप क्या क्या होते हैं वो पहले मैं मेंशन कर रहा हूँ. सबसे पहला आपका होता है फाइन सैंड. सेकंड आपका हो गया कोर्स सैंड. ये क्लासिफिकेशन साइज के बेसिस पे है, कोर्स सैंड. और थर्ड आपका हो गया ग्रेवली सैंड. ग्रेवल मैंने आपको बताया था ग्रेवल होते हैं, तो ये ग्रेवली सैंड्स हैं.
तो ये फाइन सैंड, कोर सैंड और ग्रेवली सैंड हैं, क्लासिफिकेशन है, तो ये साइज के बेसिस पे हैं। तो वो साइज क्या क्या है इनके क्राइटेरिया, वो मैं बताऊंगा आपको। फाइन सैंड स्मॉलर देन 1.5875 mm, ये आपका फाइन सैंड है। स्मॉलर देन 1.5875 mm, अगर किसी सैंड का साइज 1.5875 mm से कम है तो वो फाइन सैंड होगा। नेक्स्ट आपका है कोर सैंड, इसका कोर सैंड किसे कहेंगे, स्मॉलर देन 3.175 mm, वो सैंड जिनकी साइज 3.175 mm से कम है, लेसर है, स्मॉलर है, वो हमारा कोर्स सैंड हो गया। तो ग्रेवली सैंड हम किसे कहेंगे, स्मॉलर देन 7.62 mm। ये जब मैं स्मॉलर बार बार बोल रहा हूँ, इसका मतलब क्या हो गया, फाइन सैंड जो 1.5875 से जो स्मॉल होंगे वो फाइन सैंड होंगे, जो 3.175 से होंगे वो कोर सैंड होंगे। लेकिन 3.175 से इसका मतलब ये नहीं कि 1.5 mm का है तो आप उसे भी कोर सैंड बोलोगे, नहीं, 1.5875 इस लिमिट तक तो वो फाइन सैंड होगा, इससे ज़्यादा होगा और इससे कम होगा तब जाके कोर सैंड बोलेंगे, यानी 1.5875 mm से मोर और 3.175 mm से लेस होगा वो हमारा कोर सैंड होगा। उसी तरह 7.62 mm से अगर लेस होगा तो वो हमारा ग्रेवली सैंड होगा, यानी सबसे बड़ा इसमें से साइज पे कौन सा सैंड हुआ, ग्रेवली सैंड। ग्रेवल मैंने आपको बोला था भाई, ग्रेवल साइज जो होता है, पत्थर होते हैं अलग अलग छोटे छोटे टुकड़े हमें मिलते हैं जो, उसमें अलग अलग साइज होते हैं, पेबल्स होते हैं, ग्रेवल्स होते हैं, तो ग्रेवल बड़े साइज के पत्थर को बोलते हैं। तो इसलिए मैंने इसका नाम यहाँ पे जो बताया आपको, ये जो नाम है ये ग्रेवली सैंड इसे कहते हैं। ये साइज वैल्यू आप याद रखेंगे सिर्फ, क्योंकि ये आपको एग्जाम में मिल सकते हैं कि फाइन सैंड का क्राइटेरिया क्या है, ये वो पूछ लेंगे, इफ़ अ सैंड इज स्मॉलर देन 1.5 mm, विच काइंड ऑफ सैंड इट इज, फाइन, कोर्स और ग्रेवली। आपको पता है 1.5875 से जितने भी कम वैल्यू के सैंड होंगे साइज के, वो सारे फाइन सैंड होंगे। तो ये आपने क्लासिफिकेशन ऑफ सैंड देखा। नेक्स्ट पार्ट है हमारा, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बल्किंग ऑफ सैंड। ये बल्किंग ऑफ सैंड एक्चुअली क्या होता है, पहले मैं ये आपको बताना चाहूँगा। जब हमारे सैंड में मॉइस्चर कंटेंट प्रेजेंट हो, जब हमारे सैंड में मॉइस्चर कंटेंट प्रेजेंट हो, वो जिस भी रीजन से हो, वो हमारा पार्ट नहीं है, वो हमें नहीं जानना है। हमें ये समझना है कि अगर सैंड में मॉइस्चर कंटेंट प्रेजेंट हो तो ये होता क्या, जब आपके सैंड में मॉइस्चर कंटेंट प्रेजेंट रहेगा तो सैंड का वॉल्यूम इंक्रीज करता है, सैंड का वॉल्यूम बढ़ जाता है, वो इंक्रीज कर जाता है। तो ये जो प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ वॉल्यूम है ड्यू टू मॉइस्चर प्रेजेंट इन सैंड, दिस इज नोन एज बल्किंग ऑफ सैंड। तो बल्किंग ऑफ सैंड जो प्रोसेस है, मैं आपको बोल रहा हूँ बल्किंग ऑफ सैंड, वो मैं यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ। उसका मैंने आपको डेफिनेशन दिया, अभी मैं उसका डिटेल आपको दे रहा हूँ वो क्या है। तो बल्किंग ऑफ सैंड के बारे में मैंने आपको क्या बोला कि द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ वॉल्यूम ऑफ सैंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इन सैंड, तो वो मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको कैसे होता है वो और क्यों होता है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है जो हम यहाँ देख रहे हैं मोर्टार में, अभी हमने टाइप ऑफ सैंड देखा, क्लासिफिकेशन ऑफ सैंड देखा, अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं वो हमारा क्या है, बल्किंग ऑफ सैंड। तो बल्किंग ऑफ सैंड किसे कहते हैं, मैंने आपको डेफिनेशन दिया अभी, बल्किंग ऑफ सैंड किसे कहते हैं। तो टॉपिक हमारा क्या है, बल्किंग ऑफ सैंड। तो मैंने क्या बोला बल्किंग ऑफ सैंड के बारे में, द इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ सैंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। तो पहले हम उसको डिफाइन करेंगे यहां पे, इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ सॉइल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, इन सैंड।
तो मैंने यहाँ क्या कहा, इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ सॉइल, ये आप ध्यान रखो, इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ सॉइल, सॉइल इज सैंड, सॉरी सैंड यहाँ बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि ये बल्किंग सॉइल में भी होता है आपका, इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ सैंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। तो ये जो आपका सैंड का वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है मॉइस्चर के प्रेजेंट रहने की वजह से, मॉइस्चर मीन्स लिटिल बिट वाटर कंटेंट के प्रेजेंट रहने की वजह से, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बल्किंग ऑफ सैंड, दिस प्रोसेस इज नोन एज, दिस प्रोसेस इज नोन एज बल्किंग ऑफ सैंड, दिस प्रोसेस इज नोन एज बल्किंग ऑफ सैंड। तो इस प्रोसेस को हम बल्किंग ऑफ सैंड कहते हैं। तो ये आपका डेफिनेशन हुआ और वो मैंने आपको बताया क्या होता है। अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये मॉइस्चर कंटेंट होने की वजह से वॉल्यूम कैसे इंक्रीज कर जाता है। तो एक्चुअली होता क्या, जब मॉइस्चर कंटेंट है सैंड में, मॉइस्चर कंटेंट है सैंड में प्रेजेंट, तो ये जो मॉइस्चर कंटेंट की वजह से क्या होता है, एक फिल्म ऑफ वाटर, फिल्म मीन्स एक लेयर ऑफ वाटर फॉर्म हो जाता है सैंड के चारों ओर। तो सैंड पार्ट के लिए उसके चारों ओर लेयर ऑफ वाटर फॉर्म हो जाता है। मैं आपको ऐसा समझाना चाहूँगा, यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये आपका सैंड पार्टिकल है, इसके चारों ओर ऐसे 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 ये वाटर का लेयर है, फिल्म ऑफ वाटर इसे मैं बोल रहा हूँ, फिल्म ऑफ वाटर। तो पहले ये जो सैंड पार्टिकल था इसका ये इतना वॉल्यूम होगा, ऑब्वियस सी बात है, सिर्फ जितना साइज इसका वॉल्यूम, लेकिन अब मॉइस्चर होने की वजह से क्या हो गया, ये पास का एरिया और भी पास का जो सराउंडिंग्स है उसने इसे कवर कर लिया है फिल्म ऑफ वाटर। तो अल्टीमेटली ये पूरा अभी इसका वॉल्यूम हो गया इसी सैंड का। तो ये जो इंक्रीज इन वॉल्यूम है ड्यू टू मॉइस्चर, इसे बल्किंग कहते हैं। और ये कैसे हो रहा है वो मैंने आपको बताया, जब मॉइस्चर होता है तो वो एक फिल्म ऑफ वाटर, एक लेयर ऑफ वाटर फॉर्म कर देता है सैंड के चारों ओर, जिसकी वजह से ये इंक्रीज इन वॉल्यूम होता है। उस पॉइंट को यहाँ पे मैं नोट करूंगा, आप देख लो, मॉइस्चर फॉर्म्स लेयर ऑफ वाटर सराउंडिंग द सैंड, सराउंडिंग द सैंड, सराउंडिंग द सैंड। तो ये आपका हो गया फिल्म ऑफ वाटर, ये जो मॉइस्चर जो होता है लेयर फॉर्म करता है और जिसकी वजह से आपका वॉल्यूम इंक्रीज कर देता है, लेयर ऑफ वाटर सराउंडिंग द सैंड। लेकिन क्या मॉइस्चर बढ़ाते जाएंगे तो इसका सैंड का वॉल्यूम इंक्रीज होते जाएगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक सर्टन लिमिट तक जब आपका मॉइस्चर इंक्रीज करेंगे तब तक तो ये वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, बट आफ्टर दैट सर्टन लिमिट ये जो फिल्म है ये आपका ब्रेक हो जाएगा। ज़्यादा आप मॉइस्चर बढ़ाते जाओगे तो जो फिल्म है ये आसपास का ब्रेक हो जाएगा और सैंड अपने ओरिजिनल वॉल्यूम में आ जाएगा। तो ये ब्रेक ऑल ऑफ अ सडन नहीं होता है, धीरे धीरे ब्रेक होना स्टार्ट होता है। तो जैसे जैसे आप फर्दर मॉइस्चर कंटेंट एक सर्टन लिमिट के बाद इंक्रीज करोगे तो इसका वॉल्यूम डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो वो पॉइंट मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ, वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इफ मॉइस्चर इज इंक्रीज्ड बियॉन्ड 8%, मैंने लिमिट की बात की, वो लिमिट है 8% के अप्रॉक्स, अगर 8% से ज़्यादा मॉइस्चर इंक्रीज कर देते हो वॉल्यूम स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, वॉल्यूम स्टार्ट्स डिक्रीजिंग। तो ये जो बल्किंग ऑफ सैंड है एक सर्टन लिमिट ऑफ मॉइस्चर कंटेंट तक ही सो होता है, उसके बियॉन्ड अगर मॉइस्चर कंटेंट चला जाएगा तो ये बल्किंग ऑफ सैंड प्रोसेस आप नहीं देखोगे, ये वॉल्यूम वापस से डिक्रीज करना स्टार्ट हो जाएगा। मॉइस्चर इंक्रीज बियॉन्ड 8% वॉल्यूम स्टार्ट डिक्रीजिंग। तो ये पॉइंट को आप मेंशन करो, मॉइस्चर इंक्रीज कर रहा है बियॉन्ड 8% तो वॉल्यूम डिक्रीज करना स्टार्ट हो जाएगा, जो कि बल्किंग ऑफ सैंड नहीं है। तो ये जो बल्किंग ऑफ सैंड है एक सर्टन लिमिट तक ही है, और वो क्यों हो रहा है कैसे हो रहा है वो मैंने आपको समझाया यहाँ पे। ये बल्किंग ऑफ सैंड के बारे में एक और खास बात है, बल्किंग ऑफ सैंड जो आपका है वो जितना मटेरियल फाइनर रहेगा, यानी जितना सैंड फाइन पार्टिकल्स का होगा, मैंने यहाँ पर बताया था फाइन सैंड किसे कहते हैं, जिसका साइज कम होगा वो फाइन सैंड, उससे ज़्यादा कोर्स सैंड, उससे ज़्यादा ग्रेवली सैंड। तो जितना साइज कम होगा
मीन्स जितना ही सैंड फाइन होगा ये बल्किंग प्रोसेस आपको उतना ही ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, बल्किंग ऑफ सैंड इज मोर इन फाइनर सैंड एज कम्पेयर टू कोर्स सैंड। तो साइज आपका पार्टिकल्स ऑफ सैंड जैसे जैसे कम होगा वो आपका बल्किंग ऑफ सैंड ज़्यादा होगा। मीन्स फाइनर द सैंड बल्किंग ऑफ सैंड इज मोर, या ये कह लो कि फाइन सैंड में बल्किंग मोर होगा, ये बात को आप ध्यान रखना। तो ये हमारा बल्किंग ऑफ सैंड हो गया, ये मैं यहाँ मेंशन कर दे रहा हूँ, ये पॉइंट आप देख लो, फाइन सैंड शोज मोर बल्किंग, ये मेंशन कर लो, फाइन सैंड मोर बल्किंग। फाइन सैंड में मोर बल्किंग होगा, ज़्यादा बल्किंग होगा कंपेयर टू मीडियम सैंड या कोर्स सैंड से। तो ये आपका बल्किंग ऑफ सैंड था प्रोसेस, ये मैंने आपको बताया। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, मैं तब से आपको सैंड के बारे में पढ़ा रहा हूँ। तो सैंड का क्या फंक्शन है मोर्टार में, हम सैंड क्यों यूज़ कर रहे हैं। मैंने बोला सैंड सबसे इम्पॉर्टेंट, या आप ये कह लो वॉल्यूम वाइज सबसे बड़ा जो कंस्टिट्यूएंट हम यूज़ करते हैं मोर्टार में वो सैंड है हमारा। तो ये सैंड का कुछ तो फंक्शन होगा, कुछ खास रोल प्ले कर रहा होगा जिसकी वजह से हम इसे मोर्टार में यूज़ कर रहे हैं। तो वो खास रोल, वो खास फंक्शन क्या है सैंड का, वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमने क्या बोला, क्या हमारा फंक्शन ऑफ सैंड इन मोर्टार, फंक्शन ऑफ सैंड सैंड का क्या फंक्शन है मोर्टार में, उसका डेफिनेटली कुछ फंक्शन है, मैंने आपको बोला। तो वो फंक्शंस के बारे में हम जानेंगे। इसका सबसे पहला फंक्शन जो सैंड का है वो है, इट प्रोवाइड्स बल्क इन सैंड, दैट इज बल्क इन सैंड का प्रोवाइड करने का क्या मतलब हुआ, ये सैंड में वॉल्यूम प्रोवाइड करता है, यानी सैंड का वॉल्यूम इंक्रीज करता है। तो जिससे क्या होगा, हमारा सैंड क्या होगा, ज़्यादा एरिया लेगा तो हम उसका प्रॉपर यूज कर पाएंगे। तो ये क्या हो रहा है, प्रोवाइड्स बल्क इन सैंड, दैट इज वॉल्यूम इन सैंड, ये हमारा इसका पहला फंक्शन है, प्रोवाइड बल्क इन सैंड। सेकंड फंक्शन क्या है सैंड का मोर्टार में, सेकंड फंक्शन, पहला फंक्शन है बल्क प्रोवाइड करना, सेकंड फंक्शन हमारा क्या है इसका, इट डज नॉट प्रोवाइड अ स्ट्रेंथ बट helps in adjusting a strength। तो सेकंड इसका फंक्शन क्या है, मैंने लिखा है डज नॉट प्रोवाइड अ स्ट्रेंथ, ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड नहीं करता सैंड में। आप ये कभी मत समझना कि सैंड मोटार में स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, नहीं, वो बल्क प्रोवाइड करता है पर स्ट्रेंथ प्रोवाइड नहीं करता है, लेकिन ये स्ट्रेंथ के एडजस्टमेंट में हेल्प करता है। जैसा कि मैंने बोला ये बल्क प्रोवाइड करता है, तो बल्क प्रोवाइड करता है यानी वॉल्यूम प्रोवाइड करता है, तो आप इसके अकॉर्डिंग सैंड की स्ट्रेंथ एडजस्ट कर सकते हो। तो ये डायरेक्टली तो स्ट्रेंथ प्रोवाइड नहीं करता है पर एडजस्ट करता है स्ट्रेंथ को प्रोवाइड करने में, ये इसका सेकंड फंक्शन है। यहाँ पे क्या बोला, इट प्रोवाइड्स बल्क इन सैंड जो इसका पहला था, यानी वॉल्यूम इन सैंड। दूसरा मैंने क्या बोला, इट डज नॉट प्रोवाइड अ स्ट्रेंथ, ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड नहीं कर रहा है बट हेल्प्स इन एडजस्टिंग स्ट्रेंथ। चूंकि ये वॉल्यूम प्रोवाइड कर रहा है तो ये इसके अकॉर्डिंग आप अपना स्ट्रेंथ ऑफ सैंड एडजस्ट कर सकते हो। तीसरा मैंने क्या बोला, ये तीसरा पॉइंट है, इट इंक्रीजेस सरफेस एरिया ऑफ सैंड, ये सरफेस एरिया, सैंड का सरफेस एरिया इंक्रीज करता है। चौथा फंक्शन इसका क्या है, फोर्थ एंड लास्ट फंक्शन, मेजर फंक्शन इज, इट रिड्यूसेस श्रिंकेज इन सैंड, इट रिड्यूसेस श्रिंकेज इन सैंड, इट रिड्यूसेस श्रिंकेज इन सैंड। तो ये क्या है, ये श्रिंकेज भी रिड्यूस करता है सैंड में। तो इसके चार मेजर फंक्शन है, पहला फंक्शन मैंने बोला प्रोवाइड्स बल्क, हेल्प्स इन एडजस्टिंग स्ट्रेंथ, और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको ये, डज नॉट प्रोवाइड अ स्ट्रेंथ, ये आपको ध्यान रखना ज़्यादा जरूरी है। कई बार क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, सैंड प्रोवाइड्स
whether sand provides following in mortar. पहला ऑप्शन दे देंगे आपका, यस सवाल पूछ दे, sand does not provide following in mortar. पहला दे दिए bulk, दूसरा दे दिया strength, तीसरा दे दिया surface area, shrinkage. तो मैंने बोला ये provide, strength provide नहीं करता है, तो ये आपको ध्यान रखना है. increases surface area, reduces shrinkage. ये चार function है mortar में sand के. तो ये मैंने आपको बताया बल्किंग ऑफ सैंड, उसके बाद मैंने फंक्शन ऑफ सैंड. इसका सैंड का आखिरी टॉपिक जो सैंड में है वो है आपका टेस्ट ऑन सैंड. ये टेस्ट ऑन सैंड क्या है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोर्टार क्या है, ये हमारे आप नेक्स्ट लेक्चर में देखोगे. मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट ऑन सैंड विच वी आर गोइंग टू कंडक्ट. सम जो डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट कंडक्ट करते हैं सैंड पे वो, और उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोर्टार. ये मैं सैंड के बारे में बता रहा था. मैंने बोला सैंड उसका सबसे इंपॉर्टेंट इन्ग्रीडियंट्स है जिसके बारे में आपको मैं डिटेल दे रहा हूँ. मैंने टाइप्स ऑफ सैंड बताए, क्लासिफिकेशन ऑफ सैंड बताए, बल्किंग ऑफ सैंड आपने देखा समझा, फंक्शन ऑफ सैंड इन मोर्टार देखा, अब ये टेस्ट ऑफ सैंड और फर्दर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोर्टार जो है वो हमारे नेक्स्ट वीडियोज अपलोड होंगे तो आप उसमें देखेंगे. तब तक के लिए आप ये वीडियोज में जो भी देखें आपने इसके रिवाइज आपको करना है और इसके क्वेश्चन आप सॉल्व करो पुराने क्वेश्चन बैंक से. और मैं बार बार कह रहा हूँ आपको क्वेश्चंस यहाँ से भी प्रोवाइड किए जाएंगे, इस प्लेटफॉर्म पे भी प्रोवाइड किए जाएंगे, लेकिन फिलहाल आप लोग जब भी पढ़ रहे हो तो आप पुराने क्वेश्चन बैंक देखते जाओ और देखो वहाँ से आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं यानी जो मैंने पढ़ाया उसके अकॉर्डिंग. तब तक के लिए बी अपडेटेड ऑन द जेनिक प्लेटफॉर्म. थैंक यू.